अगर आपका वोटर आईडी कार्ड खो गए हैं तो आपको चिंता करने का कोई बात नहीं, क्योंकि अब आप ऑनलाइन से डाउनलोड करके इसे एक ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट की तरह कहीं पे भी यूज कर पाओगे। लेकिन इसके लिए आपका मोबाइल नंबर अपने वोटर आईडी कार्ड के साथ जुड़े रहना चाहिए। कुछ दिनों से ई एपिक डाउनलोड हो नहीं पा रहा था, इसके वजह है कि नेशनल वोटर सर्विसेज का पोर्टल के जगह पर अब एक नया पोर्टल इलेक्शन कमीशन की तरफ से चालू कर दिए गए हैं, जहां से आपको अपना ई एपिक कार्ड को डाउनलोड करना होगा। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं संजीव और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल डिजिटल संजीव। आज इस वीडियो पर मैं इस नया वेब पोर्टल से एक ई एपिक कार्ड को कैसे डाउनलोड किए जाते हैं उसका पूरा प्रोसेस आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। सो वीडियो के आखिर तक बने रहिए बगैर स्किप किए। तो चलिए मैं वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल ऑन यूट्यूब एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल नेवर टू मिस एन अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं। ई एपिक डाउनलोड करने के लिए अगर आप NVSP यानी नेशनल वोटर सर्विसेज का पोर्टल पर जाओगे तो आपको ये सारे ऑप्शंस की टैब्स नॉन एक्टिव दिखाई देगी, सिवाय ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस का, जिस ऑप्शन के जरिए आप अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस जान पाएंगे। इस पोर्टल का जो जो सर्विसेज पहले था वो सब इलेक्शन कमीशन का इस नया वेब पोर्टल पर चले गए हैं। सो यू हैव टू क्लिक दिस लिंक टू विजिट दिस न्यू वेब पोर्टल, जिसका लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। क्लिक करते ही वोटर सर्विसेज का नया पोर्टल ओपन हो जाएगा कुछ ऐसा इंटरफेस के साथ, जिसके बाएं तरफ आपको कुछ फॉर्म्स को दिखाई देगा, जैसे कि फॉर्म नंबर 6 फॉर जनरल इलेक्टर्स का न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए, फॉर्म नंबर 6A है NRI इलेक्टर्स का नया रजिस्ट्रेशन के लिए, फॉर्म नंबर 7 फॉर ऑब्जेक्शन फॉर प्रोपोज्ड इंक्लूजन और डिलीशन ऑफ नेम इन एग्जिस्टिंग रोल, और फॉर्म नंबर 8 से आप एपिक कार्ड की शिफ्टिंग, करेक्शन या फिर रिप्लेसमेंट कर पाओगे। अब चलिए इस पेज की दाएं तरफ, जहां पर आपको कुछ सर्विसेज को दिखाई देगा, जैसे कि ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस, सर्च इन इलेक्टोरल रोल फॉर गेटिंग इलेक्टर्स डिटेल्स, नो योर पोलिंग स्टेशन एंड ऑफिसर, और फाइनली है ई एपिक डाउनलोड करने का ऑप्शन, जिसके जरिए मैं अभी ई एपिक डाउनलोड करके आप लोगों को दिखाएंगे। सो लेट्स क्लिक ऑन टू दिस टैब फॉर गेटिंग डिजिटल वर्जन ऑफ इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड। क्लिक करते ही लॉगिन का पेज आ गए हैं, जहां पर अगर आप पहले से ही अकाउंट बना कर रखा है तो आपको लॉगिन के ऊपर क्लिक करना होगा, और अगर आप नया यूजर है तो आपको साइन अप के ऊपर क्लिक करके एक नया अकाउंट बनाना होगा। जैसे कि मेरा पहले से ही एक अकाउंट है, इसलिए मैं यहाँ पर मेरा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या फिर एपिक नंबर बैठा के पासवर्ड और नीचे दिए गए कैप्चा को एंटर करके रिक्वेस्ट OTP के ऊपर टैप कर रहा हूँ। टैप करते ही आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजे गए OTP को यहाँ एंटर करके वेरीफाई एंड लॉगिन के ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही एक नया पॉपअप आ जाएगा। जैसे कि इस पोर्टल को अपडेट किए गए हैं, इसलिए यहाँ पर आपको नया पासवर्ड क्रिएट करने के लिए कह जाएंगे। सो आपको एक नया पासवर्ड एंटर करके उसे कन्फर्म कर देना है और सबमिट के ऊपर टैप कर देना है। इतना करते ही आपको एक नया पॉपअप दिखाई देगा, जहां पर लिखा है कि पासवर्ड चेंज्ड सक्सेसफुली, प्लीज लॉग इन विथ न्यू पासवर्ड। सो नाउ यू हैव टू क्लिक ऑन लॉग इन ऑप्शन। क्लिक करते ही वही लॉग इन वाला पेज फिर से आ गए हैं, जहां पर आपको नया पासवर्ड देके लॉग इन कर लेना है। पहले रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या फिर एपिक नंबर बैठा के पासवर्ड और कैप्चा को एंटर करके रिक्वेस्ट OTP के ऊपर टैप कर देना है। टैप करते ही रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर फिर से एक OTP जाएगा, जिसे आपको जो है यहाँ पर एंटर करके वेरीफाई एंड लॉगिन पर क्लिक कर देना है। इतना करते ही आप नया वेब पोर्टल पर लॉग इन हो जाओगे, जहाँ पर आपको
ई एपिक डाउनलोड के ऊपर टैप कर देना है। नेक्स्ट पेज पर आपको एपिक नंबर या फिर फॉर्म रेफरेंस नंबर बैठा के अपनी स्टेट को सिलेक्ट करके सर्च के ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा इलेक्टर्स का कुछ डिटेल्स के साथ, जैसे कि इलेक्टर्स एपिक नंबर, नेम, रिलेटिव नेम, स्टेट, असेंबली कंस्टिट्यूएंसी और मोबाइल नंबर, जिसे आपको एक बार चेक कर लेना है। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते ही आपको ओटीपी वेरिफिकेशन के माध्यम से आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर को ऑथेंटिकेट करने के लिए कहे जाएंगे एंड फॉर दैट यू हैव टू क्लिक ऑन सेंड ओटीपी। क्लिक करते ही आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर और एक ओटीपी भेज दिए जाएंगे, जिसे आपको यहाँ एंटर करके वेरीफाई के ऊपर टैप कर देना है। टैप करते ही ये देखिए ओटीपी वेरिफिकेशन डन सक्सेसफुली और नाउ यू कैन डाउनलोड योर ई एपिक बाय क्लिकिंग ऑन द डाउनलोड ई एपिक टैब। क्लिक करते ही आपका ई एपिक डाउनलोड हो जाएगा, जिसे आप डाउनलोड फोल्डर में जा करके देख सकते हैं। तो चलिए इसे एक बार ओपन करके देख लेते हैं। ये देखिए इलेक्शन कमीशन का ई एपिक कार्ड जो अभी अभी नया वेब पोर्टल से डाउनलोड किए गए हैं। एकदम ऊपर में ई एपिक कार्ड का दोनों साइड दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते ही इलेक्टर्स का पूरा डिटेल्स आप देख पाओगे, जैसे कि एपिक नंबर, सीरियल नंबर, असेंबली कंस्टिट्यूएंसी नंबर एंड नेम, पार्ट नंबर एंड नेम और पोलिंग स्टेशन एड्रेस। पेज की एकदम निचले हिस्से पर आपको कुछ नोट्स दिखाई देगा, जिसे आपको पढ़ लेना है। तो ये है ई एपिक कार्ड, जिसका इस दोनों पार्ट को प्रिंट और लैमिनेट करके कहीं भी उसे यूज कर सकते हो एज एन ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट। इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल टू यू देन गिव अ बिग थम्स अप एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल ऑन YouTube एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल नेवर टू मिस एन अपडेट। That was all for today's video. I will be coming back soon with yet another interesting video on my channel on YouTube. Stay safe, stay healthy. Thanks for watching.